एक गांव में चंपक नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक रानी नाम की हथनी थी। उस हथनी का एक बच्चा भी था जिसे सब छोटू कहकर बुलाते थे। हथनी गर्भवती थी। चंपक बड़ा ही स्वार्थी, क्रूर और निर्दय था और वो हथनी को हमेशा सताते हुए बहुत काम लेता था। चल रानी, आज बहुत काम आया है। एक बात याद रखना, जब तक काम पूरा ना हो जाए आराम नहीं करना है, चाहे रात ही हो जाए। रानी हथनी खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके बच्चे छोटू को बड़ा गुस्सा आ रहा था। माँ, आज तुम ज्यादा काम मत करना, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पूरी मदद करूंगा। ठीक है बेटा, मेरे साथ चलना। रानी अपने लाडले को सुंड से प्यार करने लगी। चलो, बहुत हो चुका माँ बेटे का प्यार, अब हो जाओ तैयार। अगर आज काम में ढिलाई हुई तो तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। छोटू ने पीछे से चंपक का कपड़ा खींच लिया। हे, अरे क्या करता है, डंडे पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चंपक हथनी और छोटू को लेकर काम के लिए चल पड़ा। चल रानी, काम पर लग जा, लकड़ी उठा और आगे जा। रानी काम में जुट गई। बीच बीच में चंपक उसे मार देता था। छोटू भी छोटी छोटी लकड़ियां उठा रहा था। उसे चंपक पर गुस्सा आ रहा था। क्यों रे रानी, खाने में तो बड़ी तेज है, काम करने में जान निकलती है। काम चोर कहीं की, जल्दी जल्दी काम कर। इतना कहकर चंपक ने फिर से रानी को पीट दिया। छोटू ने सुंड उठाकर चिंघाड़ कर प्रतिकार किया। इतने में चंपक का एक साथी वहां आ गया। अरे चंपक, क्यों इस बेजुबान पर जुर्म कर रहे हो, बेचारी पेट से है, कम से कम इस बात का तो ख्याल करो। यह जानवर हम पर कितने मेहरबान रहते हैं और हम इंसान इनकी कदर ही नहीं करते। अरे ये बहुत आलसी हो गई है। जब हमारे घर की औरतें गर्भवती होती थी तब उनका कितना ख्याल रखा जाता था, उनसे अधिक काम भी नहीं हो पाता था। इसी तरह जानवरों को भी कष्ट होता है, अब से इसे मत सताना। अच्छा ठीक है। चंपक का साथी चला गया और चंपक फिर से रानी पर डंडे बरसाने लगा। इतने में छोटू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने चंपक को पीछे से आकर उसे एक जोरदार टक्कर दे दी। चंपक के हाथ से डंडा छूट गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अरे बाप रे, मार डाला रे, मेरी कमरिया तोड़ दी, बचाओ बचाओ। चंपक का वही साथी दौड़कर आ गया। अरे मैंने इतना समझाया था फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आए, इस छोटू को भी अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपना विरोध दिखा दिया। चंपक किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और छोटू की तरफ देखते हुए फिर से डंडा उठा लिया। छोटू ने भी पैंतरा ले लिया। चंपक डर कर पीछे हट गया और रानी उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। नहीं मेरे बच्चे, इन्हें मत मारो। चंपक समझ जाओ और सुधर जाओ, क्या अब हड्डियां तुड़वाने का इरादा है? अरे नहीं भाई। छोटू अपनी माँ की मदद करने लगा और शाम तक काम पूरा हो गया। वे तीनों घर वापस आ गए। चंपक का जवान लड़का अजय शहर गया हुआ था और उसे लौटने में रात हो गई। उसके घर के पहले जंगल में उसे दो भेड़िया दिखाई पड़े। वे तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो डर के मारे चीख पड़ा। अरे बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया है, बचाओ। छोटू के कान में उसकी आवाज पड़ी और वो तेजी से दौड़ पड़ा। दोनों भेड़िये वार करने वाले थे कि उनके ऊपर छोटू का सुंड घपाक से गिरा। दोनों भेड़िया गिरे, लुढ़के उठे और रफू चक्कर हो गए। शाबाश मेरे छोटू, सही समय पर आ गया तू, मेरी जान बच गई। चल घर पर तुझे खूब ईख खिलाऊंगा। घर जाकर
अजय ने अपनी माँ और बाबूजी को सारी हकीकत सुनाई। मेरा छोटू बहुत बहादुर है, वो हम सबका रक्षक है। अगले दिन चंपक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने छोटू को बेचने की योजना बना ली थी। कुछ ही देर में एक व्यापारी आ गया। बाबूजी, छोटू को मत बेचिए, यह हम सबको बहुत प्यारा है। बेटा चिंता मत करो, दूसरा बच्चा आने वाला है। अजय और उसकी माँ ने चंपक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चंपक ने छोटू को बेच कर ही दम लिया। छोटू की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी माँ रानी का रो रो कर बुरा हाल था। रानी के कलेजे का टुकड़ा आज उससे दूर हो रहा है। माँ और बेटे दोनों मजबूर थे। छोटू नए मालिक के यहाँ पहुंच चुका था। वो बहुत दुखी था और खाना भी नहीं खाया। आधी रात को उसे घर की बहुत याद आने लगी, अपनी माँ की बहुत याद आने लगी। उसने अपने सुंड से एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने पैर से बंधी हुई मोटी जंजीर पर दे मारा। जंजीर टूट गई और वो आजाद हो गया। वो भागता हुआ सीधे चंपक के घर पर पहुंचा और अपनी माँ से लिपट गया। रानी भी खुशी से झूम उठी। अजय और उसकी माँ भी बहुत खुश हो गए। छोटू, बहुत अच्छा किया जो तू वापस आ गया। हम उस व्यापारी के पैसे वापस लौटा देंगे और तुझे कभी भी कहीं भी नहीं जाने देंगे। हाँ माँ, अब छोटू हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। छोटू हाथी मेरा साथी है। उसी रात चंपक को एक सपना आया। एक देवी माँ ने चंपक से कहा, चंपक, ये बेजुबान जानवर बहुत वफादार है, इन्हें सताना बंद करो। यदि इन्हें कष्ट दोगे तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हें भी बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। ये भी ईश्वर द्वारा निर्मित प्यारे जीव हैं, इन्हें भी प्यार से जीने का हक है। जीवों पर सदैव दया करो। हे देवी माँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अब किसी भी जीव को कभी भी नहीं सताऊंगा। सवेरा हुआ, चंपक जैसे ही अपने खटिया पर से उठा, उसकी धर्म पत्नी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। सुनिए जी, बहुत बड़ी खुशखबरी, रानी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। छोटू का एक छोटा भाई भी आ गया है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तो मैं पूरे गांव में मिठाइयां बांटूंगा। इतने में वो व्यापारी भी आ गया और चंपक ने रुपए मंगा कर उसके हाथ पर रख दिए। अब मैं अपने छोटू को किसी के हाथ नहीं बेचूंगा। वे सभी रानी के पास पहुंच गए थे और प्यारे बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। छोटू भी अपने छोटे भाई से प्यार करने लगा। चंपक प्यार से रानी के शरीर पर हाथ फेर रहा था और छोटे बच्चे को भी प्यार कर रहा था। रानी, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। रानी ने प्यार से अपना सुंड चंपक के कंधे पर रख दिया।